गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, इससे पहले वाले क्लास में आपको हम क्या समझा कर जो होमवर्क दिए थे, देखिए क्वेश्चन ए पूरा एक तो क्लास ले लेगा, क्वेश्चन एक और अगले क्लास में करा देंगे। आज बी सी डी जो होमवर्क दिए थे उसको हम करा दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला बी का पहला, बी का पहला तो बनाया गया वर्ड डॉल का क्या होता है प्लूरल, तो डॉल्स होता है। और दूसरा देखिए क्या ब्रश का माने क्या हुआ, ब्रशेस होता है, ईएस लगता है। ठीक है, तीसरा जो है बॉस, बॉस से क्या बनता है बॉसेस, ईएस लगता है। ठीक है ना, बॉस का प्लूरल बॉसेस होता है। पीच का क्या होता है पीचेस। पांचवा हमारा क्या है टैक्स, टैक्स का टैक्स नहीं होता है और ना ही कि टैक्सीज होता है, टैक्सेस होता है, क्या होता है टैक्सेस। हीरो का हीरोज होता है, ईएस लगता है, एस नहीं लगता है। उसके बाद में हमारा सातवा की का कीज होता है। आठवा जो है हमारा बेबी का क्या होता है बेबीज होता है, आई ई एस लगता है। और नाइन्थ नंबर सेल्फ का क्या होता है सेल्फ होता है, एस एच एल वी ई एस। और जो हमारा टेंथ नंबर है उसका क्या होता है चर्चेस होता है, क्या चर्चेस होता है। अब देखिए हम क्वेश्चन सी पे आता है, क्वेश्चन सी में क्या है माई मदर है थ्री ट्रेवल पाउचेस होगा, क्या होगा पाउचेस, पाउच में क्या लगेगा ईएस। उसके बाद दूसरा नंबर जो है हमारा उसमें एलिफेंट का प्लूरल क्या लेगा सिक्स एलिफेंट्स, और मेयर का क्या लेगा मेयर्स हो जाएगा। अब बुक का उसके बाद में थर्ड वाले का बुक का बुक्स हो जाएगा, और सेल्फ का सेल्फ्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो प्लेट है प्लेट का प्लेट्स होता है, स्पून का स्पून होता है, डिश का डिशेस होता है। उसके पांचवा नंबर जो है हमारा क्या पार्क, पार्क क्या बनेगा पार्क हो जाएगा। ठीक है, सिक्स नंबर में पोटैटोज होगा और टोमेटोज होगा, इसमें एस भी लगा करके बना सकते हैं सिर्फ, और इसमें ईएस भी लगा करके बना सकते हैं। इसके बाद ग्लास का क्या होगा हमारे सातवें में ग्लासेस और बॉक्सेस हो जाएगा बॉक्स का। उसके बाद आठ नंबर जो है मंकी का क्या होगा मंकीज होगा, पीनट का पीनट्स हो जाएगा, फॉक्स का हमारा क्या हो जाएगा फॉक्सेस हो जाएगा, और वोल्फ का वोल्फ्स हो जाएगा। उसके बाद दस नंबर जो है हमारा ड्रॉप का क्या हो जाएगा ड्रॉप्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन डी जो है, क्वेश्चन डी में क्या है जो जो हमारा ऑप्शंस में दिया गया हुआ है मतलब ब्रैकेट में उसी को हम लोग को भर देना है। आप क्यों भर देना है आपको बताते हैं, क्योंकि जितना उसमें दिया गया हुआ है सारा का सिंगुलर भी वही होता है प्लूरल भी वही होता है। जैसे आपको ऊपर दिया गया है डियर का सिंगुलर डियर ही होता है और प्लूरल भी डियर। शिप का क्या होता है शिप का सिंगुलर भी वही प्लूरल भी वही। न्यूज का भी क्या होता है न्यूज ही होता है प्लूरल और सिंगुलर भी। नॉलेज भी क्या होता है दोनों सेम है। और फिर स्टाफ क्या होता है स्टाफ भी हमारा सेम है, म्यूजिक भी सेम है, फर्नीचर भी सेम है, इन्फॉर्मेशन भी सेम रहेगा, पब्लिक एडवाइस बैगेज और क्रॉस रोड्स ये हमेशा सिंगुलर भी वैसा ही रहता है प्लूरल भी वैसा ही रहता है। उसी तरह क्वेश्चन डी में जो दिया गया है डियर का डियर ही रह जाएगा, दूसरा में सीप का सीप ही रह जाएगा, तीसरा में न्यूज का न्यूज ही रह जाएगा, चौथा में एडवाइस का हमारा एडवाइस ही रह जाएगा, पांचवा में नॉलेज का नॉलेज ही रह जाएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, और अगले क्लास में क्वेश्चन ही करा करके आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।